नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट एकेडमी के चैनल पर। कल परीक्षा है BHDLA 137। यह हिंदी का पाठ्यक्रम है और इसमें भाषा संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और उम्मीद करते हैं ये आपकी परीक्षाओं में अवश्य आएंगे और आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं या संप्रेषण से आप क्या जानते हैं, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। संप्रेषण शब्द का सामान्य अर्थ है सूचनाओं को प्रेषित करना। यह दो शब्दों से बना है, सम और प्रेषण। सम का अर्थ है सूचना और प्रेषण का अर्थ है पहुंचाना। कुल मिलाकर जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं का, विचारों का, संदेशों का और भावों का आदान प्रदान होता है तो वह प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। यह मौखिक, लिखित, सांकेतिक या आंगिक हो सकती है या किसी भी माध्यम से हो सकती है। संप्रेषण में संदेशों का होना बहुत अनिवार्य है। संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक यानी कि संदेश भेजने वाला होता है और दूसरा पक्ष प्रेषणी होता है यानी कि संदेश ग्रहण करने वाला। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वह बिना संप्रेषण के संभव नहीं है। हालांकि संप्रेषण पहले भी होता रहा है, परंतु आज हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा दैनिक जीवन, हमारा कार्य, हमारा राजनीतिक, हमारा आर्थिक, हमारी सामाजिक ज़रूरतें, हमारी सांस्कृतिक ज़रूरतें सभी संप्रेषण के माध्यम से ही पूरी होती हैं। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं या जनसंचार किसे कहते हैं? जनसंचार का शाब्दिक अर्थ है जनता के साथ संचार करना। यह दो शब्दों को व्यक्त करता है, जन और संचार। जन का अर्थ है आम जनता, प्रजा, आम लोग, सामान्य व्यक्ति, नागरिक। और संचार शब्द का अर्थ है प्रेषित करना, भेजना, फैलाना, आदान प्रदान करना। इस प्रकार एक ऐसी प्रणाली जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों से, विभिन्न माध्यमों से संदेशों को, सूचनाओं को, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे समूह, एक समूह से दूसरे समूह तक विचारों का आदान प्रदान किया जाए। जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ अनेक प्रकार के उपकरण हैं और ये उपकरण जनसंचार में अहम भूमिका निभाते हैं, इसको दूर दूर तक फैलाते हैं। जैसे सामान्य रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, होर्डिंग, वॉलपेपर, हैंडबिल, ये सभी चीज़ें जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यमों में आती हैं और आज हमारा जीवन इन्हीं जनसंचार माध्यमों के आसपास घिरा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी जेब में रहने वाला मोबाइल भी जनसंचार माध्यम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है, आंगिक भाषा से आप क्या समझते हैं? आंगिक भाषा को समझने से पहले भाषा समझिए। भाषा का शाब्दिक अर्थ है भाष करना। भाष शब्द व्यवहार को व्यक्त करता है, वाणी को व्यक्त करता है, यानी कि वाणी के द्वारा किया गया व्यवहार भाषा कहलाता है। भाषा किसी भी समाज का सामान्य व्यवहार है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो संचार ना करता हो, जो ध्वनि ना करता हो, और प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों के भावों ग्रहण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा प्रत्येक समाज की,
सबसे पहली इकाई है, सबसे मूल इकाई है, इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। भाषा को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, आंगिक भाषा और संचार। आंगिक भाषा एक विशिष्ट भाषा प्रणाली है, इसमें बिना कुछ बोले केवल अंगों के इशारों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। आंगिक भाषा दो शब्दों के योग से बनी है, आंगिक और भाषा। आंगिक का अर्थ है अंगों के द्वारा, अंगों के माध्यम से, जैसे हाथ, आँख, कंधे, पैर आदि के द्वारा इशारे करके। और भाषा वह विधि है जिसे भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आंगिक भाषा एक मूक भाषा है जिसमें हम बिना बातचीत करते हुए भी अपने संदेशों को अंगों के इशारों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हैं, कक्षा चल रही है और कोई विद्यार्थी आता है तो वह कक्षा को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है, वह केवल इशारा करता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। बिना बोले वो हाथ के इशारों से पूछता है और अध्यापक भी बिना कुछ कहे केवल सर हिलाकर उसे आने की अनुमति प्रदान करता है। तो इस प्रकार कोई भी ऐसी बातचीत जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम अपने शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, कंधे, आँख आदि के माध्यम से इस प्रकार से इशारा करते हैं कि सामने देखने वाला उस इशारे को समझ लेता है और तुरंत उसका जवाब देता है। तो इस प्रकार का संप्रेषण आंगिक संप्रेषण कहलाता है, इसे आंगिक भाषा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बॉडी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, इसे हम पोस्चर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मक लेखन का अर्थ है विशिष्ट रचना। सृजनात्मक लेखन शब्द दो शब्दों से बना है, सृजनात्मक और लेखन। सृजनात्मक का अर्थ है सर्जन करना, निर्माण करना, रचना करना, बनाना, ढांचा तैयार करना। यह बहुत ही विशिष्ट लेखन है, इसे क्रिएटिव राइटिंग भी बोला जाता है। इसका उद्देश्य मात्र सूचना देना नहीं होता है, बल्कि यह मन के भाव जैसे प्रेम, दुख, पवित्रता, ईश्वर, पलायन, नश्वरता, त्याग, सहयोग आदि विषयों को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से व्यक्त करता है। इसमें लेखक अपनी कल्पना का पूरा पूरा प्रयोग करता है, वह जीवन के विभिन्न पहलू को प्रकाशित करने का प्रयास करता है, समाज के रहस्य को अपने भावों से जोड़ता है, उनके अर्थ को प्रकट करता है। वह इस लेखन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का भी प्रयास करता है। सृजनात्मक लेखन किसी भी लेखन कला की पहली और प्राथमिक प्रेरणा है। यदि आप लिखना चाहते हैं, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नया लिखिए, कुछ विशिष्ट लिखिए और कुछ मौलिक लिखिए। यह एक प्रभावशाली लेखन है। सृजनात्मक लेखन की दो मुख्य विशेषताएं हैं, पाठकों का ध्यान आकर्षित करना, पाठकों में पढ़ने की इच्छा और रुचि को जागृत करना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक लेखन का एक सामान्य सा भाव है कि जब भी आप अपने मनोवेग में बहकर, अपने भावों में बहकर अपनी वास्तविकता को इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि सामने वाला उस रचना को देखकर प्रभावित होता है, तो इस प्रकार का सृजन सृजनात्मक लेखन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लिखित भाषा के प्रकार्य को स्पष्ट कीजिए। लिखित भाषा को समझने से पहले समझिए कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसी भी समाज का सामान्य व्यवहार है, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, मनोभावों को समझाने के लिए, सूचनाओं को पहुंचाने के लिए हम जिस व्यवहार का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा के दो बड़े रूप हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। भाषा का वह सरल रूप जिसे आप अपने जन्म से प्राप्त कर लेते हैं, अपने समाज से प्राप्त करते हैं, जिसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। इसके विपरीत
लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसको सीखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं उसके लिपि को, उसके वर्णों को आपको याद करना पड़ता है, और लगातार अभ्यास से आप उस भाषा के लिखित अभ्यास को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसे हम लिपि में लिखकर किसी विशेष चिन्हों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इस संदर्भ में भाषा के अन्य रूप हैं, जैसे आपका आंगिक भाषा, सांकेतिक भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। लिखित भाषा ही सर्वाधिक प्रमाणित होती है। लिखित भाषा को संग्रहित किया जा सकता है, लिखित भाषा को प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। लिखित भाषा ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहायक होती है, इसके माध्यम से ज्ञान का सृजन होता है। यह समाज में ज्ञान को संप्रेषित, सुरक्षित और विकासमय बनाती है, और लिखित भाषा के माध्यम से हम ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। लिखित भाषा की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं, जैसे लिखित भाषा स्मृति में सहायक होती है, क्योंकि चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, और जब हम अपने ज्ञान को, अपने भाव को, अपने विचारों को लिख कर रख लेते हैं ग्रंथ के रूप में, शास्त्रों के रूप में, तो है तो वह सुरक्षित हो जाती है। इस प्रकार लिखित भाषा स्मृति में बहुत ही सरल और सहायक है। लिखित भाषा के कारण संप्रेषण का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। हम लिखित भाषा के माध्यम से दूर दूर तक दूसरे समाजों में, शहरों में, राज्यों में लिखकर अपने संदेशों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस प्रकार लिखित भाषा संप्रेषण के क्षेत्र को बड़ा कर देती है। लिखित भाषा से लेखक और पाठक की दूरियां मिट जाती हैं। लिखित भाषा संदेश की दूरियां मिटाती है और भाषा को दूर दूर पहुँचाने में हमारी सहायता करती है। लिखित भाषा के माध्यम से प्रसारण में गति आती है, और यह प्रसारण कई प्रकार का हो जाता है, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो और अन्य साधन। लिखित भाषा के माध्यम से समाज के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कार्यालय में काम करने की भाषा, स्कूलों, हॉस्पिटल और अन्य संस्थानों में काम करने की भाषा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो मानक होती है, व्याकरण सम्मत होती है, उसमें किसी प्रकार के असभ्य व्यवहार का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार लिखित भाषा के माध्यम से भाषा के प्रयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। लिखित भाषा का समाज में काफ़ी महत्व है। लिखित भाषा सामाजिकरण का आधार होती है। लिखित भाषा के माध्यम से समाज में साहित्य का सृजन होता है। लिखित भाषा समाज में चीज़ों को संजो कर रखती है। लिखित भाषा के माध्यम से ही विचारों को प्रमाणित किया जा सकता है, और लिखित भाषा ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषित करने में अहम भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा ही वह सशक्त प्रणाली है जिसने प्राचीन काल से आधुनिक काल की दूरियों को तय किया है। आज हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान के बलबूते हमने इतना विकास किया है, वह कहीं ना कहीं लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव हो सका है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट या प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ है रपट, या प्रस्तुत करना या लिखना। जब हम किसी प्रकरण, घटना, कार्य या योजना आदि के बारे में संपूर्ण रूप से उसे देखकर, समझकर, उसकी छानबीन करके उसे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि उसे ज्यों का त्यों स्पष्ट किया जा सके, यह लेखन प्रतिवेदन कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। वर्तमान में घटी कोई विशेष घटना या भूत में घटी कोई विशेष घटना को जब हम भली भांति समझ कर, उसे ग्रहण करके, जब वह आसानी से समझ में आ जाती है, तो उसे सुंदर और प्रभावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करना ही प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट एक लिखित सामग्री होती है जो किसी घटना को,
समारोह को बहुत ही सूक्ष्मता से तैयार करती है। इसे अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है। यह वास्तव में एक सार गर्भित रचना होती है। समाचार पत्रों की घटना और दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन एक प्रकार का ब्यौरा है, एक प्रकार की गहन पूछताछ है, छानबीन है, जिसमें किसी घटना या समस्या को प्रमाणिकता के साथ व्यक्त करना होता है। प्रतिवेदन लिखते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर एक, प्रतिवेदन संक्षिप्त हो यानी कि छोटा हो। नंबर दो, घटना या कार्यवाही की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। नंबर तीन, प्रतिवेदन की भाषा सरल और स्पष्ट हो। नंबर चार, प्रतिवेदन में संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध हो। नंबर पाँच, प्रतिवेदन में एक ही बात को बार बार नहीं दोहराया जाना चाहिए। नंबर छः, प्रतिवेदन का शीर्षक बिल्कुल सटीक होना चाहिए। प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में होनी चाहिए। सारी की सारी बात सिलसिलेवार ढंग से लिखे होने चाहिए। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है, इसमें बातें विस्तार से नहीं लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन को समझने में आसानी होनी चाहिए। उसकी भाषा, उसका अर्थ और निष्कर्ष पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन भ्रम उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती है, सरल और रोचक होती है। प्रतिवेदन की भाषा पढ़ने या सुनने वालों के मन पर प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। प्रतिवेदन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, व्यक्तिगत प्रतिवेदन। नंबर दो, संगठनात्मक प्रतिवेदन। और नंबर तीन, विवरणात्मक प्रतिवेदन। हमारा अगला प्रश्न है, वैयक्तिक लेखन से आप क्या समझते हैं? वैयक्तिक लेखन एक विशिष्ट लेखन है जिसमें एक व्यक्ति, एक लेखक अपने भावों, अनुभूतियों और विचारों में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाता है। इस प्रकार वह वैयक्तिक लेखन में अपने निजी अनुभवों से और विचारों से पाठक की चेतना का अंग बन जाता है। वैयक्तिक लेखन का शाब्दिक अर्थ है निजी लेखन, एक ऐसा लेखन जिसमें व्यक्ति या लेखक अपने बहुत ही निजी भावों को भाषा प्रदान करता है। वैयक्तिक लेखन के मुख्य उदाहरण हैं आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत आदि। आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है स्वयं की कथा। जब कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन की कथा स्वयं लिखता है तो इसे आत्मकथा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कथा को निरपेक्ष होकर बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भाव से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है तो इसे आत्मकथा कहा जाता है। संस्मरण व्यक्तिक लेखन का दूसरा रूप है। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है स्मृति पर आधारित लेखन। जब लेखक जो स्वयं महसूस करता है, देखता है, जिसको वह अनुभव करता है और उसी अनुभव को वह लिखकर व्यक्त करता है ताकि अन्य व्यक्ति भी उससे जुड़ सकें, तो इस प्रकार का लेखन संस्मरण कहलाता है। इसमें भावों की अभिव्यक्ति होती है और स्मृति के आधार पर यादों को, घटनाओं को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि वह कथा के रूप में हमारे सामने आ जाती है। डायरी व्यक्तिक लेखन का एक अन्य रूप है। डायरी शब्द हिंदी से, अंग्रेजी से हिंदी में आया है। डायरी का अर्थ है दैनिक भावों को लिखना। डायरी नितांत निजी लेखक है, इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति नित्य दिन और प्रतिदिन अपने भावों को, अपने साथ घटी घटनाओं को और अपने विचारों को कागज पर या डायरी में लिखकर उतारता है, अपनी घटनाओं को व्यक्त करता है, जो उसने महसूस किया उसे व्यक्त करता है और अपने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत भावों को लिखकर खुद से बात करने का प्रयास करता है, तो यह रचना डायरी के नाम से जानी जाती है। डायरी लेखन बिल्कुल निजी अनुभव पर आधारित होती है। डायरी लिखने का उद्देश्य प्रकाशन नहीं होता, यह नितांत निजी विचारों की अभिव्यक्ति है और यह बहुत ही विश्वसनीय और प्रमाणिक मानी जाती है और डायरी में औपचारिकता बिल्कुल भी नहीं होती है।
यात्रा वृत्तांत व्यक्तिक लेखन का एक अन्य रूप है। जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा के अनुभवों को प्राथमिक रूप से प्रस्तुत करता है और वह उसका वर्णन इस प्रकार से करता है कि दूसरा व्यक्ति जब इसे पढ़ता है तो लगता है कि वह स्वयं भी यात्रा कर रहा है, तो यह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत दो शब्दों से बना है, यात्रा और वृत्तांत। जब कोई व्यक्ति कहीं पर आते जाते हुए, किसी विशेष स्थान पर घूमने जाते हुए, एक शहर की यात्रा करते हुए, एक दूसरे देश की यात्रा करते हुए संपूर्ण यात्रा को इस प्रकार से शब्दों में व्यक्त करता है कि पढ़ने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि वह स्वयं भी यात्रा कर रहा है, तो यह रचना यात्रा वृत्तांत कहलाती है। इसमें कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं होती है, पूरी तरह से सत्य आधारित होती है। यात्रा वृत्तांत में चीज़ों को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, घाटियाँ, रास्ते, बाजार, वहाँ मिलने वाले लोग, उनकी बोलचाल, उनकी रूपरेखा, उनका रहन सहन, सब का सब लेखन के माध्यम से इस प्रकार से रचा जाता है कि पढ़ते पढ़ते हमें महसूस होता है कि हम स्वयं ही वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, यानी कि हमारे शब्द जो हैं जीवित हो उठते हैं। यात्रा वृत्तांत अपने आप में बहुत ही निराला लेखन है और यह रोचकता के साथ लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, समाचार किसे कहते हैं? समाचार की भाषा कैसी होती है, स्पष्ट कीजिए। समाचार शब्द का अर्थ है हर प्रकार की सूचनाओं को प्रस्तुत करना। यह नवीनतम घटनाओं पर आधारित होती है। इसे विभिन्न माध्यमों की सहायता से आम लोगों यानी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहा जाता है। अन्य शब्दों में समसामयिक सूचना समाचार कहलाती है। समाचार कई प्रकार के होते हैं जैसे पर्यावरण समाचार, राजनीति समाचार, खेल समाचार, क्षेत्रीय समाचार, राज्य समाचार, राष्ट्र समाचार और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आदि। समाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आचरण। सम का अर्थ है निष्पक्ष और आचरण का अर्थ है प्रस्तुत करना, यानी कि अपने आचरण को, सूचनाओं को बिना किसी व्यवहार के, बिना किसी पक्ष विपक्ष के इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि सत्य सामने आ सके, यानी कि जो घटनाएं घट रही हैं उनको निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करना समाचार कहलाता है। यह लेख आधारित होता है जिसके माध्यम से हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। समाचार की भाषा की विशेषताएं। समाचार की भाषा बहुत ही सरल और आसान होनी चाहिए। समाचार की भाषा में आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कठिन और जटिल शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो पाठकों के हृदय को स्पर्श कर सके। भाषा में हल्कापन और अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। भाषा के द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान नहीं होना चाहिए। भाषा समाज की प्रकृति के अनुकूल हो। यदि भाषा का अनुवाद भी किया गया है तो भाषा का अर्थ बिगड़ना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि समाचार एक ऐसी प्रणाली है जिसे हमें समसामयिक घटनाओं का ब्यौरा प्राप्त होता है और इसकी भाषा सुंदर, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं? व्यावसायिक पत्र को पढ़ने से पहले जान लीजिए पत्र किसे कहते हैं। सामान्य शब्दों में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखकर भेजा गया व्यवहार पत्र व्यवहार कहलाता है। पत्र सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। वे सभी पत्र जो हम अपने माता पिता, दोस्तों, भाई बहनों, प्रेमिकाओं, पत्नियों को लिखते हैं उसे बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की औपचारिकता का वहन नहीं किया जाता है। हम अपने मन के मनोभावों को, प्रेम को, गुस्से को, सबको व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ
औपचारिक पत्र, वे सभी पत्र जो किसी कार्यालय में किसी कर्मचारी को किसी संस्थान में भेजे जाते हैं जहाँ पर भाषा का विशेष ध्यान रखा जाता है और केवल विशेष विषय को ही व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसी संदर्भ में एक प्रणाली आती है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र का अर्थ है व्यवसाय को गति देने के लिए लिखे गए पत्र। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग व्यापार का युग है। आधुनिक समय में हर तरफ कल कारखाने, उद्योग धंधे और बड़े बड़े संस्थान हैं। यह सभी संस्थान, उद्योग धंधे आपस में पत्र व्यवहार करते रहते हैं, इसलिए व्यापार में पत्राचार का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस प्रकार वे सभी पत्र जो हमारी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करते हैं व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। व्यावसायिक पत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक और पत्र। व्यावसायिक का अर्थ है व्यवसाय से संबंधित और पत्र का शाब्दिक अर्थ है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में लिखित व्यवहार, पत्र व्यवहार कहलाता है। एक व्यवसाय या व्यापार में बहुत सारी जरूरतें होती हैं, जैसे एक संगठन का दूसरे संगठन से आपसी बातचीत, उनके समझौते, उनके आदान प्रदान, उनके आय और व्यय के ब्यौरे, इन सब के माध्यम से व्यवसाय की जरूरतें पूरी की जाती हैं। व्यावसायिक पत्र बहुत सी सहायता करते हैं, जैसे इनके द्वारा समय की बचत होती है, पैसा कम खर्च होता है, प्रचार और विज्ञापन का कार्य भी हो जाता है, उद्योगों में निकटता आती है और विवाद उत्पन्न होने पर यह प्रमाण पत्र के रूप में सहायता देते हैं। पत्रों के माध्यम से माल मंगाने और बेचने में सहायता मिलती है, विवाद और भ्रम का निवारण होता है। इस प्रकार व्यावसायिक पत्र बहुत कारणों से लाभकारी हैं। व्यावसायिक पत्र बहुत सी जरूरतें भी पूरी करते हैं, जैसे मूल्य का भाव जानने के लिए, मूल्य और सामग्री की सूची मंगाने के लिए, कोई नमूना मंगाने के लिए, भुगतान करने के लिए, सामग्री क्रय करने के लिए, विक्रय का प्रस्ताव भेजने के लिए, एजेंसी लेने और देने के लिए, बीमा संबंधी कार्य करने के लिए, शिकायत करने के लिए, बैंक से कोई अनुरोध करने के लिए। व्यावसायिक पत्र प्रभावपूर्ण तरीके से लिखे जाने चाहिए और इन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र मुद्रित लेटर हेड पर लिखा जाना चाहिए या टाइप किया जाना चाहिए। पत्र में कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए, हर नई बात के लिए अलग पहरा होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके पत्र छोटा और बात को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। पत्र को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए, पत्र प्रमाणिक होना चाहिए। व्यावसायिक पत्र में स्वच्छता और विनम्रता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वे सभी पत्र जो व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करते हैं व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संवाद किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को हम स्पष्ट करते हैं तो यह वार्तालाप कहलाता है। यही वार्तालाप व्याकरण में संवाद कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम रोज़मर्रा जो बातें करते हैं, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसके बदले जवाब देता है, फिर व्यक्ति बोलता है, फिर दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, इस प्रकार की सामान्य बातचीत ही संवाद कहलाती है। कुल मिलाकर संवाद के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है। संवाद के दो माध्यम हैं, लिखित और मौखिक। समाज में अपने विचारों के आदान प्रदान की अभिव्यक्ति संवाद कहलाती है और संवाद के माध्यम से व्यक्ति अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त करता है। रोज़मर्रा में हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपनी प्रेमिकाओं से मिलते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं, उनके साथ बैठकर जब हम प्रश्न उत्तर रूप में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप कहाँ थे, मैं घर पर था, आप घर पर क्या कर रहे थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, किस लिए पढ़ाई कर रहे थे, मेरी परीक्षाएं चल रही हैं इसलिए पढ़ाई कर रहा था, इस तरह की शब्दावली संवाद कहलाती है। सामान्य शब्दों में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति
किसी विषय को लेकर बातचीत करते हैं तो वह बातचीत वार्तालाप कहलाती है और व्याकरणिक भाषा में इसे ही संवाद कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे डायलॉग कहा जाता है। संवाद की विशेषताएं निम्न है। नंबर एक, संवाद छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। संवाद की भाषा आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। संवाद लेखन में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के व्यवहारिक पक्ष से आप क्या समझते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे के भावों को ग्रहण करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा हमारे दैनिक सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं। भाषा को समाज में आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। आज संसार में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु व्यक्ति वही भाषा समझता है जिसका उसे ज्ञान होता है। भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक है, जो व्यक्ति अपने समाज से स्वयं ग्रहण कर लेता है। भाषा का अन्य रूप लिखित भाषा है। इसे ग्रहण करने के लिए हमें लिपि सीखनी पड़ती है और भाषा का यह रूप प्रमाणित किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में भारत की मुख्य भाषाएं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, नेपाली, असमिया, मणिपुरी आदि। भाषा का प्रयोग व्यवहार के लिए ही होता है। इसके व्यवहारिक पक्ष का अर्थ है समाज में होने वाले क्रियाकलापों को सरल और सुंदर बनाना। हम अपने दैनिक क्रियाकलाप को करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आपसी बातचीत करने के लिए, व्यापार करने के लिए, दूसरों तक अपने मनोभावों को पहुंचाने के लिए, अपना प्रेम, अपना दुख, अपनी खुशी, इन शब्द को व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और भाषा मूल रूप से ध्वनि चिन्हों का वह समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मनोभाव को व्यक्त करता है। कुल मिलाकर भाषा का व्यवहारिक पक्ष इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति व्यवहार सम्मत रूप से किस जगह, किस स्थान पर, किस प्रकार से बातचीत करता है। भाषा का व्यवहारिक पक्ष औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कहाँ, किससे और किस प्रकार से बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, कार्यवृत्त किसे कहते हैं? किसी बैठक की चर्चा या किसी बैठक की सुनवाई का तत्कालीन लिखित विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। दोबारा सुने, किसी बैठक में चल रही कोई चर्चा या किसी बैठक की सुनवाई का तत्कालीन लिखित विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। कार्यवृत्त से बैठक में हुए क्रियाकलापों का एक छोटा सा सार मिल जाता है। इसके मुख्य रूप से मीटिंग के कारण, उपस्थित लोगों की सूची, उसमें की गई टिप्पणी, उनके सवाल जवाब इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में, बैठक और मीटिंग में जो कार्यवाही होती है उसमें लिए गए निर्णय के आधार पर कार्यवृत्त तैयार किया जाता है, जिसमें बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के नाम, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न, दिए गए जवाब, किसकी जिम्मेदारी है, किसको क्या कार्यवाही करनी है, यह भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कार्यवृत्त को बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषण किसे कहते हैं? भाषण की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? भाषण अभिव्यक्ति का मौखिक स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई नेता, जब कोई विद्वान अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलकर एक पूरे समूह के सामने पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे भाषण कहा जाता है। अपने विचारों को धारा प्रवाह में व्यक्त करना ही भाषण कहलाता है। एक अच्छा भाषण लोगों को आकर्षित करता है, लोगों को प्रभावित करता है। व्यक्ति के द्वारा भाषण में अपनी संस्कृति, अपना प्रभाव, अपने विचारों का प्रदर्शन, अपनी वाणी का उतार चढ़ाव, इन सभी को शामिल किया जाता है। भाषण को अंग्रेजी में स्पीच कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ होता है अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करना। भाषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लिखित भाषण और मौखिक भाषण। भाषण के कई लाभ होते हैं, जैसे झिझक दूर करना, भाषा के उच्चारण में शुद्धता लाना, भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना, अपने विचारों को प्रभावपूर्ण बनाना, व्यवहारिक कुशलता को बढ़ाना, अपनी वाक शक्ति को बढ़ाना। एक अच्छे भाषण में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। भाषा पर
पूरा नियंत्रण, यानी कि भाषा का संपूर्ण ज्ञान, ताकि वह दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सके। भाषण की भाषा पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, उच्चारण साफ होना चाहिए ताकि सुनने में सुंदर और आकर्षक लगे। भाषण की भाषा में सही समय पर, सही जगह पर उतार चढ़ाव रखना चाहिए। कहाँ हल्का बोलना है, कहाँ जोर से बोलना है और किस शब्द को दोहराना है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। भाषण में विराम पर बल देना भी भाषण की रोचकता को बढ़ाता है। यह देखा जाना चाहिए किस समय हमें रुक कर ठहरना है ताकि भाषण में रोचकता आ जाए। भाषण की गति पर नियंत्रण होना चाहिए, ना तो भाषण की गति बहुत ज़्यादा तेज हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा धीमी हो। भाषण की मधुरता, भाषण देते समय मधुर वाणी का प्रयोग होना चाहिए, अच्छे शब्दों का चयन होना चाहिए, क्योंकि अच्छा शब्द, अच्छी भाषा, अच्छा चयन भाषण को प्रभावशाली बनाते हैं। भाषण की मुद्रा, भाषण देते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ पूरी तरह से ना हिल रहे हों, जेब में ना हो, और हमारी आँखों से मिली हुई हो, हमारा ध्यान पूरी तरह श्रोताओं की तरफ हो, और हमें अपनी शारीरिक भाषा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मुख्य प्रश्न थे जिनकी चर्चा हमने अभी की। यह प्रश्न या यह परीक्षा बहुत ही आसान होगी। इसमें सामान्य प्रश्न होंगे, संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के स्वरूप क्या हैं, औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, समाचार पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, कार्यवृत्त किसे कहते हैं, टिप्पण किसे कहते हैं, और आत्मकथा किसे कहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये एक ऐसा सामान्य प्रश्न पत्र है जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली परीक्षा में।